गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। क्या पढ़ेंगे? फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर दोज एंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड मैनेज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, विच आर ओन्ड managed controlled by private, which are owned managed controlled by private। वो सेक्टर होता है जो privately क्या किया जाता है, owned managed and controlled किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से firms आती हैं? sole proprietorship, second है partnership, थर्ड क्या है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ क्या है कंपनी। आगे जाके हम इन सब को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है? सोल इंप्लाई सिंगल। सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है मींस बिजनेस, प्रोप्राइटर मींस ओनर, यानी कि वो बिजनेस जिस पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल होता है वो क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस ओन्ड मैनेज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? वो ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल होता है और वही पर्सन उसे क्या करता है, मैनेज करता है, वो क्या कहलाती है? सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे हम स्टडी करेंगे फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती थी? सोल्स मींस सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मींस ओनर। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिर्फ एक सिंगल पर्सन का क्या होता है, कंट्रोल होता है, वही क्या करता है, मैनेज करता है, ओन करता है, किसको? पूरे बिजनेस को। अब इसके फीचर्स देखेंगे। सिंगल ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक सिंगल पर्सन की क्या होती है, ओनरशिप होती है। सोल रिस्क बीरिंग, जो फर्म के अंदर रिस्क होता है किसका, लॉस होने का, उसे कौन बियर करेगा? अकेला सोल पर ओनरशिप ही बियर करेगा, सोल सिंगल पर्सन ही बियर करेगा। रीजन क्या है? सिंगल पर्सन ओन मैनेज कंट्रोल्ड ऑल बिजनेस। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, थर्ड फीचर क्या है? फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन क्यों होती है? रीजन इज दैट सेम, सिंगल पर्सन ओन मैनेज एंड कंट्रोल्ड ऑल फर्म। क्या करता है सिंगल पर्सन? मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और ओन्ड करता है, किसको? ऑल ऑर्गेनाइजेशन को। इसीलिए वो अपने काम को करने के लिए क्या होता है, फ्रीडम होता है, उसे अपने डिसीजन लेने के लिए किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और फर्म है उसका अपने ओनर से कोई अलग क्या नहीं होता, लीगल एक्सिस्टेंस नहीं होता, वो अपनी ओनर से अलग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर फर्म के अंदर लॉस हो गया तो अगर जो फर्म की एसेट्स है उसे बेचने के बाद भी लॉस कवर नहीं हो रहा तो ओनर है जो, उसे अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके क्या करना पड़ेगा, उस लॉस को कवर करना पड़ेगा। रीजन क्या है? जो बिजनेस है और ओनर है दोनों सेम पर्सन है, वन मैन कंट्रोल। जो फर्म है उसके ऊपर ओनली वन मैन का क्या होता है, कंट्रोल होता है। रीजन क्या होता है? ओन मैनेज और कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन। ये सब इसकी क्या है, फीचर्स हैं। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। सिंगल ओनरशिप होती है इसके अंदर, सोल रिस्क बीरिंग होता है, थर्ड क्या होता है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन होती है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वन मैन कंट्रोल, और पूरी फर्म के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, सिंगल पर्सन का कंट्रोल होता है। अब क्या है भाई, अब हम स्टडी करेंगे सिक्स्थ फीचर क्या है, स्मॉल साइज। किसका होता है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका साइज स्मॉल होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिंगल पर्सन ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड ऑल फर्म, और एक सिंगल पर्सन की जो वर्क कैपेबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है या नॉलेज होती है, वो लिमिटेड होती है, और वो बिजनेस के अंदर भी क्या कर सकता है, लिमिटेड फंड लगाता है। इसीलिए क्या होता है, फर्म का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। अब हम इसकी पढ़ेंगे एडवांटेजेस, इंपोर्टेंस। हाँ भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेजेस यानी कि लाभ क्या क्या है, इजी टू फॉर्म एंड क्लोज।
जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्या होती है, इजिली बनाई जा सकती है। रीजन क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर क्या होता है, ना के बराबर होता है, गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती। सिंगल पर्सन के डिसीजन से क्या होता है, ऑल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस कंट्रोल्ड होती है। डायरेक्ट इंसेंटिव, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके अंदर डायरेक्ट इंसेंटिव्स होता है। इंसेंटिव मतलब क्या है, मोटिवेशन होना। रीजन क्या है, अगर एक सिंगल पर्सन ज्यादा काम करेगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, जिससे क्या होता है, वो डायरेक्ट इंसेंटिव मिलते हैं उसे। पर्सनल टच, रीजन क्या है, पर्सनल टच का बेनिफिट मिलता है। रीजन क्या है, जो सिंगल पर्सन है उसका उसके कस्टमर के साथ, कंपटीटर के साथ और जो क्रेडिटर हैं, डेटर हैं, उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। फोर्थ फीचर्स है, एडवांटेजेस है, जो इसकी फोर्थ है, फ्लेक्सिबिलिटी। जो फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका मतलब क्या होता है, जो सिंगल पर्सन डिसीजन लेता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने डिसीजंस को इजिली क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि सिंगल पर्सन ओन मैनेज एंड कंट्रोल, और उसे किसी तीसरे पर्सन से क्या है या सेकेंड पर्सन से क्या है, डिसीजन लेने से पहले विचार विमर्श नहीं करना पड़ता। सो सोल बेनिफिशियर ऑफ कंट्रोल, सोल बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट। जो बिजनेस का प्रॉफिट है ना, वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन का होता है इसके अंदर। क्यों होता है, क्योंकि सिंगल पर्सन मैनेज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड ऑल फर्म्स, पूरी की पूरी फर्म्स को एक सिंगल पर्सन ही क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और ओन्ड करता है। इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा कि भी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसकी फीचर्स क्या क्या हैं और उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो आप बता सकते हैं। आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।